कैसे हो? आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने Realme 11X 5G का जो Flipkart से खरीदा हो, मतलब फास्ट सेल में जो डिवाइस खरीदा हो, उसका एक क्विक अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू भी दूंगा एंड आपको बताऊंगा ये डिवाइस आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को जरूर शुरू से लेकर एंड तक देखना था। चलेगा आज सीधा हम अनबॉक्सिंग में आते। तो हे गाइस, फाइनली जो हमने जो Realme 11X ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट के फास्ट सेल में, वो हमारे पास आ गया है, आप देख सकते हो। एंड आज हम इसका एक छोटा सा अनबॉक्सिंग एंड आपको एक रिव्यू देने वाला है कि आपको ये डिवाइस आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए गाइस, हम सीधा हमारा जो बॉक्स आया है आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट के तरफ से, इससे हम ओपन कर लेते हैं। तो अभी क्या होता है कि फ्लिपकार्ट में ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है, इसलिए आपका जो बॉक्स है वो डिलीवरी बॉय ही ओपन करके आपको दिखा देता है कि आपका सारे प्रोडक्ट है या नहीं है। इसलिए एंड गाइस, आप हमारे चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मजेदार टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल में आपको हर रोज दिखने को मिलेगा। एंड गाइस, Realme 11X रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे दिखने को मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आप देख सकते हो ये ऊपर देख सकते हो बड़ा करके लिखा हुआ है 11X एंड कॉर्नर में लिखा हुआ है 5G एंड नीचे लिखा है Realme एंड एक और नीचे अच्छी बात है, आप देख सकते हो मोस्ट ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ब्रांड नीचे मेंशन किया है। एंड पीछे के साइड हम देखते हैं क्या मेंशन किया, पीछे के साइड आप देख सकते हैं 5G 6nm प्रोसेसर चिपसेट एंड 64MP AI कैमरा, 33W चार्जर विथ 5000mAh बैटरी एंड आप देख सकते हो कि डायनामिक अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले। तो बिना टाइम वेस्ट के इसका जो सील है ऑलरेडी ब्रेक कर चुका, तो मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन हो जा, ओपन हो जा। तो ओपन होने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ऊपर लिखा हुआ है कि ए ग्रेट स्टोरी सीन्स द फास्ट लीप। तो हम इधर इसको रख के रख देते हैं साइड में। एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देख सकते हो इसके बाद है हमारा डिवाइस। तो जो हमारा डिवाइस है आप देख सकते हो इधर है, तो इसको भी हम रख देते हैं साइड में। एंड देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या बॉक्स कंटेंट देखने को मिलता है। तो इस सब रखते हैं साइड में। एंड आप देख सकते हो इधर जो चार्जर एडाप्टर एंड इसका जो चार्जिंग एडाप्टर है आप देख सकते हो सुपर भूक 33W, मतलब 33W का आपका चार्जिंग एडाप्टर दिखने को मिलेगा। एंड इसको भी हम रख देते हैं बॉक्स के अंदर। एंड देखते हैं केबिल क्या है दिया है तब देख। एंड गाइस, इसका जो आप केबिल देख सकते हो टाइप सी केबिल, मतलब USB टू टाइप सी केबिल, तो अच्छा बात है एंड आपको देना भी चाहिए इस प्राइस पॉइंट में टाइप सी केबिल। तो इस सबको हम रखते हैं साइड में। एंड देखते हैं और क्या है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपको एक TPU केस है एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड और क्या देखने को मिलेगा और एक सिम इजेक्टर पिन। तो ये है हमारा बॉक्स कंटेंट, इस सब को हम रखते हैं साइड में। एंड हम सीधा आते हैं हमारा फोन के तरफ। तो इस सब को हम रख देते हैं साइड में। एंड इसको रखने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो फोन है इधर रैप से हम निकल रहे हैं। तो निकल जा, निकल जा। एंड गाइज, आप देख सकते हो क्या लुक लग रहा है, मतलब Realme 11X का। लेकिन इसका जो पीछे आप देख सकते हो एकदम ग्लॉसी टाइप, एकदम ग्लॉसी टाइप फिनिशिंग है। एंड जो आप देख सकते हो कैमरा मॉड्यूल भी राउंड में है, लेकिन इसका मुझे डिजाइन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब एकदम प्रीमियम डिजाइन है। लेकिन एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ना राउंड टाइप, मतलब राउंड टाइप कैमरा मॉड्यूल बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, मतलब राउंड टाइप कैमरा मॉड्यूल। तो फाइनली गाइज, हमारा फोन सेटअप हो गया। एंड सेटअप होने के बाद हम सीधे आते हैं हमारा फोन के तरफ एंड आपको दिखाऊंगा आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा इस डिवाइस में। एंड गाइज, इस डिवाइस के हम ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे आपको। तो नीचे का साइड में स्पीकर ग्रिल एंड टाइप सी पोर्ट एंड नॉइज कैंसिलर माइक एंड उसके साइड में ही आपको 3.5mm का एक ऑडियो जैक दिखने को मिलेगा। एंड इस डिवाइस का वो लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ ओनली आपको जो सिम इजेक्टर जो ट्रे है, आपको सिम इजेक्टर ट्रे दिखने को मिलेगा। एंड इसका जो ऊपर साइड है, ऊपर साइड में आपको सिर्फ एक नॉइज कैंसिलेशन माइक दिखने को मिलेगा। एंड इसका जो आपको राइट साइड है, इस डिवाइस के राइट साइड में आपको ऊपर में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की एंड उसके नीचे ठीक आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखने को मिलेगा। एंड गाइज, इस डिवाइस का जो आपका जो रियर का जो कैमरा है उसमें आपको 64MP प्लस 2MP का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। एंड इसका जो फ्रंट कैमरा है, फ्रंट में आपको सिर्फ 8MP कैमरा दिखने को मिलेगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतने आपको 14,000 से
फोन खरीद रहे हो उसमें सिर्फ आपको 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस इस डिवाइस का जो आपको डिस्प्ले दिखने को मिलेगा उसमें आपको 6.72 इंच का एक फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला आपको एक डिस्प्ले दिखने को मिलेगा। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस इस डिवाइस में जो आपको प्रोसेसर दिखने को मिलेगा वो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है जिसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस का चिपसेट दिखने को मिलेगा जो कि एक 5G चिपसेट है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा स्लिम है एंड इसका जो आपको बॉडी है आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी दिखने को मिलेगा, मतलब ग्लॉसी पॉलीकार्बोनेट बॉडी। तो गाइज इस डिवाइस के बारे में मुझे क्या कहना था, इस डिवाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्यों एंड इस डिवाइस का जो प्राइस है मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप, लेकिन ये डिवाइस बहुत ही मतलब मज़ेदार डिवाइस है, बहुत ही अच्छा डिवाइस। तो इसका आगे हम रिव्यू भी लेके आएंगे एंड बहुत सारे वीडियो भी लेके आएंगे इस डिवाइस रिलेटेड। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।